मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम चैप्टर सिक्स स्टार्ट करेंगे, सीड बिकम्स ए प्लांट, कि कैसे सीड से प्लांट बनता है। आप लोगों को पता ही है कि हम जब सीड को सो करते हैं, उगाते हैं, तो उससे क्या बनता है? प्लांट बढ़ता है। तो ये टेबल देखिए, इसमें फूड आइटम्स हैं, ये फूड है आइटम्स हैं, और इनका कौन सा पार्ट हम यूज़ में लेते हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट जो हम खाते हैं, ये राइस, एप्पल, कैरट, बाजरा, रेडिश, तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? जैसे हम राइस काम में लेते हैं, तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? सीड, एप्पल फ्रूट, कैरेट रूट, बाजरा सीड, रेडिश रूट और ओनियन रूट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट। इसका प्रोसेस क्या है कि जो न्यू प्लांट बनता है तो उसका प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट ही बड़ा थोड़ी ना हो जाता है, तो उसके जो प्रोसेस है वो कैसा है? तो यहाँ पे ये एक पिंटू और श्रुति में डिस्कस हो रहा है कि कैसे क्या होता है। श्रुति, लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसल पॉट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग्स आर बीइंग सीन। श्रुति पिंटू बोलता है, श्रुति देखो नीम के पेड़ के नीचे, और ये बेसल पॉट है जो एक गमला है, उसमें देखो छोटे छोटे सैपलिंग्स, मतलब जो छोटे छोटे न्यू प्लांट्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में नीम के पेड़ के नीचे जो निमोलिया होती है वो क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है, और छोटे छोटे नीम के सैपलिंग, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, सैपलिंग, वो उग जाते हैं। श्रुति बोलती है, यस ब्रदर, देर आर मैनी सैपलिंग्स ब्रदर, बट वेयर हैव दीज सैपलिंग्स कम फ्रॉम, हु हैज़ ब्रॉट देम हियर? हाँ भाई, मैंने भी कई सैपलिंग देखे हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको सैपलिंग बोलते हैं, लेकिन ये आए कहाँ से भैया, ये यहाँ पे इनको कौन लेके आया है? तो पिंटू बोलता है, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, कि रेनी सीजन में प्लांट्स खुद में खुद उग जाते हैं। फिर श्रुति बोलती है, ब्रदर आई हैव अप्रूटेड ए सैपलिंग, सी वॉट इज सीन हियर इन, मैं एक सैपलिंग को उखाड़ लेती हूँ, देखती हूँ कि ये कैसी दिखती है। पिंटू, श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग, ये नीम की सैपलिंग है, द रूट ग्रोन इन निम्बोली, जो निम्बोली होती है, नीम के सीड होते हैं उनसे बनती है ये, दिस इज थिंग विच टर्न्स इन टू ए सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री, और यही क्या है, सैपलिंग ही किसमें टर्न हो जाती है, फिर ट्री बन जाती है बड़ा होके। ठीक है, प्लांट इज बैक इन टू द सॉइल। ठीक है, अब है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? ऑन बचवारस, बचवारस वट द्वादशी, जब बचवारस आती है जिसे गाय पूजते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बचवारस के दिन तुम्हारी मम्मा वगैरह गाय को पूजने जाती है। पिंटूस मदर सॉफ्ट मूंग मोट एंड ग्रेम एंड टाइट देम इन कॉटन क्लॉथ, तो क्या स्प्राउट्स बनाते हैं उस दिन, क्या करते हैं, मूंग मोट वगैरह को, चने वगैरह को क्या है, तुम्हारी मम्मी पानी में भिगो देती है, फिर उन्हें क्या करती है, उन्हें छान कर पानी में से निकाल के उन्हें कॉटन क्लॉथ में रैप कर देती है, बांध देती है, फिर अब तुमने देखा होगा उनमें से वाइट वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकले आते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं वो, और वो क्या कहलाते हैं, स्प्राउट्स। ठीक है, जिन्हें हम खाते हैं। वेन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, और उनको नेक्स्ट मॉर्निंग वर्शिप के लिए, पूजा के लिए ले जाते हैं। श्रुति वाज सरप्राइज्ड, श्रुति क्या होती है, बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। श्रुति, मदर व्हाट इज़ वाइट थ्रेड लाइक व्हिच हैज़ कम आउट फॉर मूंग, कि मूंग से सफ़ेद सफ़ेद धागे के जैसे क्या निकले आए हैं। पिंटू, दिस इज़ रूट ऑफ मूंग, ये क्या है, मूंग की रूट है। व्हेन ए सीड इज़ प्लेस्ड इन वेट सॉइल और सॉफ्ट एंड टाइट, रूट्स कम आउट फॉर इट, जब इन्हें ज़मीन में या इन्हें टाइट बांध देते हैं तो क्या इनमें से रूट बाहर निकली आती है। लेटर ए कम्प्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, और ये बाद में कम्प्लीट प्लांट बन जाता है। कैन यू ऑल्सो ट्राई दिस, तुम सब भी इन्हें कर सकते हो। सीड जर्मिनेशन डिपेंड, अब सीड जर्मिनेट होने के लिए ऐसे थोड़ी ना कहीं भी रख दो जर्मिनेट हो जाएगा, जैसे हम स्टोर करके रहते हैं मूंग मोट, उनमें क्या जर्मिनेशन होता है कि नहीं, तो उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है जिससे कि जर्मिनेशन होता है, क्या क्या चीज़ चाहिए उन्हें, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर चाहिए उन्हें, सही टेम्परेचर चाहिए, न तो ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन, एयर और समटाइम्स लाइट। ठीक है, ये सब चीज़ें होगी तो ही जर्मिनेशन होगा, वरना नहीं होगा। जैसे हम पानी में बीज भिगोएंगे ऐसे रख देंगे तो नहीं होगा, उन्हें एयर नहीं मिल रही तो नहीं होगा, अगर उन्हें सनलाइट नहीं मिल रही है तो भी उनमें जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जर्मिनेशन के लिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखिए, ईट स्प्राउटेड्स सीड्स एंड बी हेल्दी, जो स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट सीड्स मतलब जिनमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली आते हैं, जैसे डायग्राम में देखो ये वाइट वाइट निकली आते हैं, घर पे भी बना सकते हैं आप लोग, मम्मा को बोलो कि मम्मा चने वगैरह मूंग वगैरह इनको भिगो दो पानी में, और अगले दिन नेक्स्ट डे इन्हें एक टाइट कपड़े में
कॉटन क्लॉथ में इनको रैप करके रख दो टाइट, जहाँ पे अच्छी एयर आती हो, थोड़ी बहुत सनलाइट भी आती हो वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप देखोगे इनमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली आएंगे, इन्हें इनमें जर्मिनेशन हो चुका है, और इन्हें स्प्राउट सीड्स बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशन देने वाले होते हैं। स्टूडेंट्स कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट रेडिकल एंड फ्लेमूल ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यूज ऑफ स्टोर फूड बाय द जर्मिनेटेड सीड इनसाइड इट, नेसेसरी कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सीड एसेट्रा। तो इनको जब हम जर्मिनेट होते हैं तो इनमें रेडिकल से तो क्या रूट बनती है, और फ्लेमूल से मतलब एक पार्ट ऊपर जाता है और एक पार्ट नीचे जाता है। जब इनको हम उगाते हैं सीड को, तो आपने देखा होगा एक पार्ट ऊपर आता है जिससे तो स्टेम बनता है, और एक पार्ट नीचे जाता है जिससे रूट बनती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अब नेक्स्ट आगे हम कल पढ़ाएंगे।